बोफोर्स के मुद्दे पर क्या ऐसा मनीष सिंह ने कह दिया कि आप लोग इतने नाराज हो गए? नहीं नहीं, मनीष ऐसा है, कांग्रेस का दिवालियापन साफ हो गया जब अरुण जेटली जी ने बिना कांग्रेस, बिना बोफोर्स और बिना राजीव गांधी नाम लेकर देश के लिए एक बड़ी बात की कि भाई ये भ्रष्टाचार का पैसा और ये भ्रष्टाचार के पीछे का जो सच्चाई है वो 25 साल तक ये देश नहीं निकल पाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो कभी ना कभी आना चाहिए सामने। ये जब इतनी ऊंचाई पर बात की तो उसके जवाब में कांग्रेस उसी शालीनता से अगर पेश आती तो लोग बिल्कुल सुनने को तैयार थे। लेकिन जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने तुरंत पहले ही वाक्य से अपनी घिनौनी राजनीति शुरू की तो उससे सारा सभागृह क्षुब्ध हो गया और वो आक्रोश था। सी द इशू इज अरुण जेटली व्हाइल प्रेजेंटिंग द व्यूज ऑन द रिविलेशन ऑफ द बोफोर्स हैज रेज्ड द पिच ऑफ द डिबेट टू ए स्टेट्समैन लेवल वेयर ही नेवर मेंशन द बोफोर्स दिस कांग्रेस और इवन द राजीव गांधी बट ही सेड दैट द ट्रूथ इज नॉट स्टिल कम एंड हैज नॉट बीन द गिल्टीज आर नॉट पनिश्ड एंड ट्रूथ हैज नॉट कम टू फोर बोफोर्स। ये आफ्टर दिस वी वेर एक्सपेक्टिंग ए सिविल डिफेंस इन ए सिविलियन वे बाय द कांग्रेस बट राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस मणिशंकर अय्यर एज हिज विट्रोलियस ही स्टार्टेड हिज वर्स्ट अटैक एंड पर्सनल अटैक एंड एंटर्ड इनटू ए पॉलिटिकल थिंग देन पीपल रिएक्टेड द हाउस वॉज डेलिबरेटली प्रोवोक्ड बाय मणिशंकर अय्यर। बट वी आर वेरी क्लियर, देश की लूट हुई है, देश का पैसा लूटा गया है और ये देश का पैसा जिन्होंने लूटा वो कॉत्रोची देश से बाहर हो गया है और जब तक देश का पैसा देश में वापस नहीं आता और दलाली खाने वालों को सजा नहीं मिलती तब तक ये प्रकरण कैसे समाप्त होगा? Subramaniam Swamy has raised fresh allegations against Sudhir Chidambaram and his son, and he is linking this entire thing. There's a question of land grab and there's this Aircel link. I have not seen. I'll see and then. राज्यसभा के पटल पर आपकी क्या डिमांड थी कि रीओपन करने की बात आपने की? नहीं नहीं, वो तो अरुण जेटली ने एकदम क्लियर कहा जो आपके पास है. We raised the debate to a level of statesman. He raised the debate to a level of statement where he was saying that as a country we must be ashamed that after 25 years. We have not pursued, we could not find out the truth, and that is the lesson which we must draw, that we have to find out the truth. That was his appeal. So I think this US ne kaha hai ki hum apni visa policy mein koi change nahi karenge, chahe wo Modi ho ya koi bhi aana chahe yahan pe. Ab jaane wala koi mangega to na.